आज का हमारा मज़मून है इल्म की अहमियत। थॉमस जेफरसन अमेरिका का तीसरा सदर था। वो 1743 में पैदा हुआ और 1826 में उसकी वफात हुई। वो 1801 से लेकर 1809 तक अमेरिका का सदर रहा। जेफरसन नहायत काबिल आदमी था। वो अंग्रेजी, लातिनी, यूनानी, फ्रांसी, स्पेनी और इटालवी जबानें जानता था। मोरखीन इसके बारे में लिखते हैं कि वो एक इंतहाई गैर मामूली किस्म का साहिब इल्म आदमी था। ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लर्न्ड मैन। इसने अपनी तवील उम्र में फलसफा और साइंस से लेकर मजहब तक तकरीबन तमाम उलूम का गहरा मुताला किया। आखिर उम्र में इसने ये कोशिश की कि वो इंजील का तज्जिया करे और ये मालूम करे कि हजरत मसीह ने वाकईतन क्या कहा था और बयान करने वालों ने इनके बारे में क्या बयान किया। जेफरसन ने आखिर उम्र में ये वसीयत की कि इसके मरने के बाद उसकी कब्र पर जो कुतबा लगाया जाए, इसमें ये न लिखा जाए कि वो अमेरिका का सदर था, बल्कि ये लिखा जाए कि वो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का बानी था। चुनाचे इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी कब्र मोंटीसेलो पर जो कितबा लगाया हुआ है, इसमें ये अल्फाज दर्ज है। हेयर वाज ब्रीड थॉमस जेफरसन, फादर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। हकीकत ये है कि इल्म सबसे बड़ी दौलत है। जो लोग इल्म की अहमियत को जान लें, उनको अमेरिका की सदारत भी हीच मालूम होगी। इल्म सबसे बड़ी दौलत है। इल्म ही वो वाहिद चीज है जिससे आदमी कभी नहीं उकता था, जिसकी हद कभी किसी के लिए नहीं आती। इल्म हर मामले में कारामद है, वो हर मैदान में कामयाबी का जीना है। इल्म से आदमी को वो शऊर मिलता है जिससे वो दुनिया को जाने, जिससे वो बातों को उनकी बातों की गहराई तक समझ सके। इल्म ऐसा सिक्का है जिससे आप दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। इल्म हर किस्म की तरक्की का राज है, फर्द के लिए भी और कौम के लिए भी। जिसके पास इल्म हुआ, उसके पास गोया हर चीज मौजूद है।